नमस्कार, दिस इज भरत संथालिया फ्रॉम माय ट्यूटर। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मॉडल अ चेयर जस्ट फ्रॉम एन इमेज। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेंदी है, एज आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ मॉडलिंग, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। मुझे मोटिवेशन आपके लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन से मिलते हैं, सो जो लोग नए हैं काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द न्यू अपडेट्स। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम चेयर मॉडलिंग करेंगे, बट ये मॉडलिंग हम जो करेंगे वो इमेज बेस करेंगे। अभी तक हमने लास्ट टाइम जो देखा था, जो ऑफिस टेबल हमने बनाया था वो मेजरमेंट के बेसिस पे बनाया था। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट लेंगे बट पिक्सल बेस्ड रहेगा। जैसे मेरा इमेज दिख रहा है वो बेसिस के हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। एंड ये सेम मेथड आप बाकी सब चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले एक इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, तो पहले उसको मैं यहाँ पर इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो रेंडरिंग में आ जाइए एंड क्लिक ऑन इमेज, व्यू इमेज फाइल यहाँ पर है। चेयर वाली फाइल ले लेते हैं, आई से ओपन। ओके, सो ये मेरे पास इमेज है। तो आपको इसमें समझ में आएगा कि देखो फ्रंट में कैसे दिख रहा है एंड लेफ्ट में कैसे दिख रहा है। अब जो मैं जो साइजेस की बात कर रहा था वो ये है कि लाइक ये इसका जो डायमेंशन है वो परफेक्टली सब जगह से होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसका डायमेंशन देखते हैं, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा विड्थ जो है 471 एंड हाइट जो है 415 है, ठीक है। एकदम ऑपोजिट वैल्यूज हम डालेंगे प्लेन में। तो कीबोर्ड एंट्री में आ जाते हैं, यहाँ पे हम लेंथ में 415 डालेंगे एंड विड्थ में 475 डालेंगे, 475। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, ऐड हो गया। सिमिलर वे मैं लेफ्ट में भी एड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सो आई क्लोज दिस, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ग्रिड ऑफ कर दिया है, जी इज़ द शॉर्टकट की ग्रिड ऑफ करने के लिए। ऊपर आई आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है शॉर्टकट्स फॉर 3ds मैक्स के लिए, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। सो अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ओके, बट एडजस्टमेंट करने से पहले मैं यहाँ पे मटेरियल में जाके आई असाइन अ मटेरियल, स्कैन लाइन में आ जाइए, क्लिक ऑन स्टैंडर्ड, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सेलेक्टेड, मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है जैसे कि मेरा है। ओके, फिर उसके बाद दोबारा राइट क्लिक करके मैप्स में आके एल से बिट मैप, जनरल में बिट मैप, अगेन आई सेलेक्ट द सेम इमेज से ओपन एंड ओके, ठीक है। और इसको मैं असाइन कर देता हूँ डिफ्यूज में, ठीक। इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो इसकी वजह से जो है मुझे मेरा टेक्सचर जो है व्यू पोर्ट में दिखाई देगा। सो इसको टॉप व्यू में चले जाते हैं एंड टूवर्ड्स एक्सट्रीम राइट साइड में मैं ले लेता हूँ ताकि मैं इसको परफेक्टली देख सकूं। ओके, सो वायर फ्रेम मैंने ऑफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, फाइन। तो शुरुआत करते हैं सीट से, बॉक्स ले लेते हैं एंड टॉप व्यू से एक बॉक्स बना दे रहा हूं एंड ये अप्रॉक्स हाइट और विड्थ मैंने ऐड कर ली है। सो फ्रंट से मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हाइट में है, तो उसको अरेंज करके सही कर लेते हैं। हाइट इसका और मैं कम कर दे रहा हूँ, तो लाइक दिस मच। ऑल्ट एक्स प्रेस कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि इमेज आपको पीछे दिखाई देगा, तो क्या होगा कि आप कहीं गलत नहीं होंगे, ठीक है। विड्थ में थोड़ा सा और कम कर देते हैं, इसको एग्जैक्ट सेंटर में रख लेते हैं,
फाइन, ये विथ सॉरी कम कर दिया गलती से, ये बढ़ा देते हैं, फाइन ठीक है, ये इधर से अरेंज हो गया। अभी देखो लेफ्ट व्यू में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे अरेंजमेंट परफेक्टली नहीं है, तो इसको एक्स एक्सिस में मैं पीछे की तरफ रख दे रहा हूँ, एंड इसको जो है मैं यहाँ लेंथ में लेंथ से बढ़ा देता हूँ ताकि ये सब जगह से परफेक्टली बढ़ जाए। थोड़ा और वैल्यूज़ बढ़ा देता हूँ बिकॉज मैं लेग्स जो है इसी में से ही मैं बाहर निकालने वाला हूँ, तो थोड़ा सा और लेंथ बढ़ा दिया इसका, थोड़ा सा और, यस परफेक्ट डन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नीचे के लेग्स पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, ड्रॉ करना दिस आई मीन मॉडल कर लेते हैं। तो आइदर दो तरीके हैं, या तो मैं बॉक्स लेके दोबारा बना के एंड फिर से लेग्स जनरेट कर लूँ, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड चीज़ ये है कि क्यों ना मैं अपने ही मॉडलिंग के जो स्किल्स है वो और अच्छी तरीके से इम्प्रूव करूँ, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज़ एडिटेबल पॉली या एडिट पॉली। सो आई विल गेट इनटू एडिट पॉली, एडिट पॉली में जाने के बाद आई नीड टू सब डिवाइड, अंदर ही अंदर मुझे इसके अंदर सब डिविजन करना पड़ेगा। सो इन दैट केस एज में आ जाते हैं, सेलेक्ट किया वर्टिकल एजेस एंड कनेक्ट में आ जाते हैं। सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एजेस कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एग्जैक्टली आपको, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा और आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं हल्का सा, यस परफेक्टली डन, से अप्लाई। तो इसको यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कनेक्ट कर लेते हैं, अंडू कनेक्ट करते हैं, वैल्यू वन इसको और आगे ले लेते हैं, से अप्लाई, एजेस सेलेक्ट कर लो, दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। इसको फ्रंट से हम लोग देखते हैं, दो एजेस एंड थोड़ा सा डिस्टेंस अपार्ट। सो एक पार्ट तो ये हमारा जो है यहाँ पर ही है, दूसरा इसके अंदर ऊपर के जो बैक रेस्ट के लिए जो मेरे जाएंगे उसको थोड़ा सा और नैरो करना पड़ेगा। तो इसको अप्लाई करते हैं पहले एंड उसको सेलेक्ट करके हम इसको फर्दर सब डिवाइड कर लेते हैं। सो आइदर दिस वे, यस परफेक्ट, थोड़ा सा और नैरो कर लेता हूँ, करेक्ट बढ़िया। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं अपोजिट साइड में कनेक्ट, ग्रेट। सो ये परफेक्टली हर एक साइड से सब डिविजन हो चुका है और जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ वहाँ पे वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं लेग्स के लिए, F4 प्रेस कर लेते हैं, ओके दोबारा से ऑल्ट एक्स प्रेस कर लेता हूँ ताकि मेरा जो पॉलीगॉन है परफेक्टली सेलेक्ट हो जाए लेग्स के लिए, तो इसमें एक और प्लस कर लेता हूँ एंड अभी इसको मैं स्ट्रेट अवे नीचे की तरफ खींच लेता हूँ, ओके डन। ये दीजिए देखिए नीचे की तरफ परफेक्टली आ चुका है, ठीक है। आमने सामने के जो लेग्स के जो फेसेस है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ जैसे इसमें दिखाया गया है इमेज के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज, ओके। तो इसको कनेक्ट कर लिया, सिमिलर वे यहाँ से यहाँ पे मेक श्योर कि
अंदर का पॉलीगॉन जो है सेलेक्टेड है, मिस मत कीजिएगा गलती से। तो अगेन इसको भी ब्रिज तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस कितने आसानी से और किस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया है। इसका सब डिविजन जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसके बेसिस पे ये परफेक्टली वर्कआउट हो पाया, नहीं तो इतना इजीली हम कर नहीं पाते इसको। ये हाइट है करेक्ट, ऑल टेक्स्ट प्रेस कर लेते हैं, से अप्लाई, मूव टूल और उसको पीछे की तरफ ले लेते हैं। ठीक, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आराम से मेरा जो है बैक रेस्ट के लिए भी रेडी हो गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बचा हुआ है दैट इज ए बैक रेस्ट के लिए जो कनेक्टेड बनाए गए हैं उसके लिए हम थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। बट उससे पहले मैं ये नीचे के लिए थोड़ा सा फटाफट कनेक्शन दे देता हूँ। ठीक है, एजेस में आ जाते हैं, फ्रंट व्यू में आ जाओ, फ्रंट में नहीं दिख रहा है, लेफ्ट में आ जाओ, तो इसको सेलेक्ट करो, कनेक्ट में आ जाओ एंड दोबारा पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। इसमें कनेक्ट हो चुका है, अभी क्या करना है, पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट करना है एंड सामने की ऑपोजिट साइड के पॉलीगॉन्स सेलेक्ट करने हैं ऑपोजिट लेग्स के, इसको ब्रिज कर देना है, एकदम परफेक्टली कनेक्ट हो गया। क्यू प्रेस कर लो एंड यहाँ पर भी सेम वे ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लो एंड से ब्रिज अगेन। ठीक है, तो ये परफेक्टली आपका जो है वेल कनेक्टेड मॉडल जो है मेरा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं आगे फ्रंट के काम के लिए। यहाँ पे अब इसके लिए मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, टॉप व्यू में आ जाऊँ, ग्रिड स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ वर्टेक्स टू वर्टेक्स ताकि ये परफेक्ट मेरा बॉक्स जो है वेल कनेक्टेड रहे। ठीक है, फ्रंट में आ जाओ, बढ़िया, एंड स्नैपिंग ऑफ कर देते हैं। अभी इसको नीचे की तरफ ले लो ताकि आपको हाइट का अंदाज़ा हो जाए। थोड़ा सा विड्थ जो है मैं अंदर ले लेता हूँ, मैं तो बाहर की तरफ दिखाई देगा एंड इसको एडिट पॉली में असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्ट एक्सप्रेस कर देते हैं एंड चलो इस पर वर्किंग शुरू कर देते हैं। इसको ये हाइट मैक्सिमम हाइट ये है तो वो पकड़ लेते हैं और ये सबसे लोअर साइड है एंड बीच में एजेस सेलेक्ट कर लो, दोबारा कनेक्ट में आ जाते हैं। कितने डालेंगे तो सही बैठेगा, तीन तीन पे नहीं दिख रहा बराबर, पांच डाल देते हैं, से अप्लाई, फिर से वर्टेक्स पे आ जाते हैं। अभी इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अब इसको मैं ऑल्ट क्यू कर देता हूँ, दैट इज आइसोलेशन मोड, ताकि आपको मैं कुछ समझा सकूँ। ठीक है, अब ये एकदम हार्ड एजेस के साथ में दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसमें टर्बो स्मूथ ऐड कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऑल्ट दोबारा आइसोलेशन मोड में आ जाते हैं, ये देखो इस तरीके से दिखेगा। अब ये मॉडल मेरा जो है प्योर वुड का है तो वुड में जो है इतना सॉफ्टनेस नहीं मिलता है। ओके, करने के लिए कर सकते हैं बट मेरा जो रेफरेंस इमेज है वो इस तरीके से नहीं है, सो इसको मुझे हार्ड सरफेस में कन्वर्ट बनाना पड़ेगा इन शॉर्ट। बट ये भी हार्ड सरफेस है बट इतना भी हार्ड सरफेस में नहीं रह सकता हूँ बिकॉज इसमें हल्का सा मेरे को एजेस की तरफ राउंडनेस कर्वनेस देना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको स्मूथनेस डालने के लिए
मुझे इसमें फर्दर सब डिवीजन करना पड़ेगा। सो फर्दर सब डिवीजन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एज को सेलेक्ट किया, एक सिंगल एज को पकड़ लो एंड देन रिंग को प्रेस कर लो, तो ये राउंड एंड राउंड पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेगा। एंड दोबारा कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। अभी इस टाइम पे हम लोग सेटिंग कुछ और रखेंगे। सो अभी मैं जो रख रहा हूँ दैट इज़ 3 वैल्यूज, और इसको काफ़ी दूर काफ़ी नज़दीक लेके जा रहा हूँ ये एज कॉर्नर वाले एज से मिलने के लिए, बिकॉज जितना एरिया गैप इन दोनों के बीच में रहेगा ओके उतना कर्वनेस जनरेट होगा। अभी मैं सपोज यहाँ पे ये डिस्टेंस पे रखा, इतना गैप है तो ये कर्वनेस यहाँ से यहाँ जनरेट करेगा ओके। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना रखना है। सो मुझे जो है इतना शार्पनेस चाहिए, ठीक है। सो अप्लाई, सिमिलर वे एक एज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड दोबारा रिंग पे प्रेस कर लो एंड अगेन कनेक्ट पे क्लिक कर लो। अभी लास्ट वैल्यू मेरी सेम टू सेम थी तो कोई इशू नहीं है, सपोज परफेक्ट है, यस परफेक्ट है, अप्लाई कर देते हैं, बढ़िया है, ठीक है। तो सब जगह से ऐड हो चुका है। अब टर्बो स्मूथ ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। सो अभी टर्बो स्मूथ ऐड करने पे हमको समझ में आ रहा है कि कितना हार्डनेस जनरेट हुआ है यहाँ पे ऐसी सीरीज। थोड़ा सा और इटरेशन वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो एक और स्मूथ दिखेगा, बट जितना स्मूथ करूँगा उतना हार्ड सरफेस भी मेरा दिखाई देगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़, हार्ड सरफेस, ओके। सो ये एक मेरा काम हो गया यहाँ पे परफेक्टली। सो इसको दोबारा से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, फ्रंट में इसको परफेक्टली देख लेते हैं, यस परफेक्टली प्लेस है। साइड से ये बरोबर नहीं दिख रहा है बिकॉज साइड से ये काफ़ी थिकनेस ज़्यादा था। सो इन दैट केस मैं इसमें स्केल यूज़ करके मैं तो थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ इस एंगल पे, फाइन। अब शिफ्ट पकड़ के बाकी भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड मेक श्योर कि इंस्टेंस सेलेक्टेड हो और 2 कॉपीज और जनरेट कर लेते हैं। तो इसको प्लेसिंग कर लेते हैं परफेक्टली। सो नाउ अगर अब हम अपना मॉडल देखते हैं एकदम परफेक्टली जैसा मेरे इमेज में दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही बना हुआ है ओके। लुक एट दिस, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि मॉडलिंग कैसा करना है और कितने टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम करना है, किस कहाँ पे एक्सट्रूड करना है, कैसे सब डिविजन करना है, हार्ड सरफेस मॉडलिंग कैसे करते हैं ओके। सो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो पे। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मॉडल अ चेयर फ्रॉम एन इमेज। आई बिलीव यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन थम्स अप फॉर लाइक, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल click the subscribe and hit the bell icon. If you have any further queries, put it in the comment box. Thank you so much for your likes and subscribes. Milte hain kuch aur extra tips and tricks ke saath agle video mein.